गाइस कैसे आप सभी लोग, आपका स्वागत है मेरे चैनल के गाने वाला गाना। जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैं नहीं नहाया हूँ, बाल पूरे झबरू हो रहे हैं तो नहीं नहाया हूँ, उसका मतलब ऑब्वियसली। और अभी बज रहे हैं दिन सुबह के 12:15, अभी तक मैं नहीं नहाया हूँ क्योंकि आज हम लोग टेबल याद कर रहे थे गदर वाली। मतलब गदर वाली की टेबल्स तो नहीं होती हैं, बट हाँ याद कर रहे थे टेबल्स, क्योंकि हमारे को टेबल तो बहुत कम याद है। तो बस फिर अभी वासु गोयल गया है नहाने, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, वासु गए हैं नहाने और यहाँ पे लग रही थी झाड़ू। और आज बनेगी हमारे घर में, अभी तो बने थे पूरे और आलू रसे की सब्जी, और दोपहर को बनेंगे कढ़ी चावल, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस अभी तो देखते हैं फिर और क्या। वासु गोयल नहाने गए हैं, मैं नहाया नहीं हूँ। आज हम लोगों का टारगेट है कम से कम 16 तक तो याद करिए, वरना मेरे को याद है बहुत, बताऊँ ना तो घिचपिच सी याद है। कभी 15 की याद आ जाती है, कभी 14 और 13 की याद आ जाती है, कभी 16 की याद आ जाती है। तो आज मैं सोच रहा हूँ पूरी की पूरी सारी याद कर लूँ, देखते हैं फिर क्या होता है। तो हाँ अरे यार एक्टिंग नहीं कर पाता तुम्हारा भाई अच्छी, तो क्या करें। और हाँ गाइस, मैंने तुम्हारे को कल या फिर परसों वाले व्लॉग में टारगेट दिया था न्यू ईयर तक 100 सब्सक्राइबर्स कराना। भाई लोग 100 मजाक थोड़ी चल रहे हैं। तो भाई साहब कैसे कैसे करवाओगे 100? व्यूज ही नहीं दे रहे हो यार तुम लोग, लाइक ही नहीं कर रहे हो। एक लाइक आया है कल वाली वीडियो में मेरे को भाई, कुछ भाई अपने भाई की इज्जत रख लो यार। जब थोड़ा लाइक करो शेयर करो, शेयर करोगे तो और बंदे को व्यूज आएंगे, वॉच टाइम आएगा, तुम्हारे भाई को लाइक बनेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, भाई ग्रोथ होएगी यार, और बढ़िया बढ़िया फिर वो व्लॉग्स आएंगे। भाई करवा लो यार, जब से 39 सब्सक्राइबर्स ही हैं थोड़े तो बढ़ाओ यार, 61 सब्सक्राइबर्स और करवाने हैं, करवाओ ब्रो। ब्रूम नहीं सॉरी ब्रो, फ्री फायर वगैरह देख देख के दिमाग की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। और कल को हम लोग नहीं खोल पाए थे गट्टू, उसके लिए चाहते हैं माफ़ी। आज है हवा काफ़ी चल रही है, मतलब पतंग उड़ाने लायक तो चल रही है, काफ़ी सारी पतंग उड़ रही हैं, बट हमारे घर के आसपास अभी एक भी पतंग नहीं उड़ रही है, देखते हैं क्या होता है। प्लस का गट्टू है, स्टैम्प चिपक चुकी है, आई डोंट नो व्हाई। उधर है अपनी पतंग, उधर है अपना ओपोनेंट, पता नहीं क्यों जैसे ही हम लोग पतंग उड़ाते हैं एक ओपोनेंट आ जाता है, पतंग उड़ाते हैं और जैसे ही पतंग उड़ाएगी पेचर लगाने की स्थिति आएगी, वैसे ही मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये रही अपनी गट्टू, ये रहे अपने कोहोस्ट, वो रही अपनी पतंग। थोड़ा सा पौड़ी वाले स्टाइल में बोलना चाह रहा था बट नहीं बोल पा, क्या हो गया। हाँ ढंग से बोलो। हाँ तो बस अभी उधर उड़ रही है अपनी पतंग, जो हमारा ओपन था उसकी हमने काटी नहीं, वो पता नहीं कहाँ भाग गया था जैसे हमने उड़ाई थी। उसको किसी ने खबर दे दी कि बैड हीरो प्लस वाले का चट्टू से उड़ा रहा है तेरा ओपोनेंट। और ये देखो ये रहा वो उस छत से उन अंकल ने, ये वाला इतना सारा बंजा घेर लिया, इधर भी ये वाली पतंग भी उन्होंने घेरी, ये वाला बंजा भी उन्होंने घेरा। वो तरक्की अपनी है, चिंता ना करो, टेंशन नॉट। वो रही अपनी पतंग जो कि हमारे को होस्ट अटका देंगे अब थोड़ी देर में, तो मैं इसको ऊपर को करवाता हूँ, जैसे कोई पेचे लगाने वाला है आएगा तो फिर से मैं वीडियो ऑन कर दूंगा भाई। समझे हो, हमारी पतंग कट चुकी है भाई, कैमरा का फोकस ठीक ठाक है, मंजर भी दिख रहा है इसमें, दिख रहा है भाई, कैमरा बढ़िया क्वालिटी का है भाई। अच्छा मैं क्या कह रहा था कि हमारी कट चुकी है पतंग, मेरे को पता नहीं चल रहा था, उसने काटे दिखाता हूँ मैं आपको, उस वाले ने काटी है। मैं बहुत दूर तक लेके चला गया था, गट्टू जी तो मंजे की तो कोई कमी थी नहीं, तो मैं ज़्यादा आगे तक लेके चला गया जोश में। मेरे को पता नहीं था कि वो कब आ जाएगा, मैं बढ़ाई जा रहा, मेरे को पता था कि नीचे के पीछे लूँगा मैं, तो मैं नीचे के पीछे लेने के लिए नीचे चला गया उसके, और उसने मेरे ढीलों से काट दी, क्योंकि मेरे को नहीं पता चला, मेरे को लग रहा था कि मेरे को ये नहीं पता चल रहा था ना गाइस, क्योंकि कि कब मेरी कट जाएगी, कि कब वो आ जाएगा, अरे मेरे को ये नहीं पता चल रहा वो कब आ जाएगा एकदम से, वो एकदम से आ गया काट के चला गया। अगर मेरे को उसकी लोकेशन पता होती, मतलब उसकी डोर पता होती कि कहाँ पे है, तो फिर मैं उसकी डोरों से सीधा खींचा मारता, मेरे को लग रहा था कि अभी नहीं आई, बट जब मेरे को लग रहा था कि वो नहीं आई तब वो आ चुकी थी प्रैक्टिकली, और उसने मेरी काट दी थी। तो बस अभी ये हुआ, और ये वाला अभी हमारा प्लान है कि ये वाला मंजा जो उन्होंने दिया है, हमारे दादू का कहना है कि हमारी गट्टू है उससे ये वाला पक्का है, तो अभी क्या करेंगे हाथों के पेचे लगाएंगे, गट्टू में से थोड़ा सा मंजा तोड़ लेंगे और इसमें से थोड़ा सा मंजा तोड़ेंगे और हाथों से पेचे आपको पता ही होगा वो लगाएंगे,
फिर देखते हैं किसकी कटेगी, अगर हमारे वाले की कटेगी मतलब हमारे पे है वेस्ट, अगर इनकी कटेगी तो मतलब हमारा पैसा वसूल हो गया। और अभी हमने नाइट वर्क करने के लिए थोड़ी आगे तक जाएंगे, मैं दवाई वगैरह लेंगे और कुछ मीठे वगैरह भी लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। फिर अभी वो चालू करते हैं, मैं भी वो कर रहा हूँ क्योंकि क्या है ना फिर से बहुत अट्रैक्ट हो गया था वो लड़का था आपको, तो बस अभी फिर आगे हमारी डाली में अच्छे से जॉब उसको करो, तो बस अभी हाँ मैं उसको वैसे बड़ी जगह उड़ गया। फिलहाल यहाँ पे रुके हैं और यहाँ से कुछ रस वगैरह ले रहे हैं, तो फिर घर पे चलते हैं अभी, फिर मिलते हैं घर पे ही आपसे। यहाँ पे बाहर ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर रहा क्योंकि व्हीकल्स की साउंड बहुत आ रही है ना इसलिए। तो भाई फिलहाल दुकान से तो आ गए थे, मटरी वगैरह लेके, मटरी नमकीन वही सब लेके आए थे और अभी खाना वाना सब खा लिया है अपन ने। तो अभी मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, ब्लॉग अच्छा तो ब्लॉग को कर देना लाइक, कर देना चैनल को सब्सक्राइब, उसके बराबर में जो बेल नोटिफिकेशन बन के आई मतलब बेल वाला आइकन जो बन के आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पे कर देना क्लिक, और फिर क्या बस और न्यू ईयर तक कर देना है आपको हमारे 100 सब्सक्राइबर्स। और हाँ बस वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में ही है। तो बस चिंता क्यों करते हो, कल को भी आते हो, कल मतलब डेली आते हैं ब्लॉग तो चिंता का है। तो बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, शुक्रिया आपका देखने के लिए, बाय।